हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेहरा अगेन। हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके एंड्रॉइड फोन में अगर कॉन्टेक्ट्स शो नहीं हो रहे हैं, कहने का मतलब है कि अगर आपके सिम में कॉन्टेक्ट्स हैं और आपके वो फोन में शो नहीं हो रहे तो उसको कैसे इम्पोर्ट करना है, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर आप ये वीडियो देखते रहिए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स डालते हैं जो कि आपके बहुत काम की चीज है। तो आप इसको बिना समय गवाए तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं, एंड्रॉइड फोन में आ जाते हैं। ये देखिए, हम एंड्रॉइड फोन में आ गए। जैसे ही यहाँ पर देखिए, हम क्या करते हैं, ये कॉन्टेक्ट्स में क्लिक करते हैं। यहाँ पर कॉन्टेक्ट्स दिख रहा है, इसमें हम जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर कॉन्टेक्ट्स में हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कॉन्टेक्ट्स में हैं। और यहाँ पर देखिए, ये आपके सिर्फ वही कॉन्टेक्ट्स दिखा रहा है जो आपके जीमेल अकाउंट से एसोसिएटेड है। ठीक है, उसके बाद फेवरेट्स में वही दिखाएगा जो आपके रिसेंटली जिनसे आपकी आपका कन्वर्सेशन हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पर ऑल कॉन्टेक्ट्स में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए सिर्फ वही आपके कॉन्टेक्ट्स दिखा रहा है जो कि आपके जीमेल अकाउंट से एसोसिएटेड है। आपके सिम के कॉन्टेक्ट्स यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। तो सिम के कॉन्टेक्ट्स दिखाने के लिए यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर ये राइट टॉप कॉर्नर पे यहाँ पर मेन्यू का ऑप्शन है, थ्री डॉट जो है इसमें आपने क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपने इम्पोर्ट कॉन्टेक्ट्स, ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में क्लिक करना है। जैसे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए इम्पोर्ट फ्रॉम सिम कार्ड लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, इम्पोर्ट फ्रॉम सिम कार्ड में क्लिक करना है। जैसे इम्पोर्ट फ्रॉम सिम कार्ड में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके सारे के सारे जो कॉन्टेक्ट है ये आपको दिख रहे हैं। तो आपने क्या करना है, अब इनको करना है यहाँ पर सेलेक्ट कॉन्टेक्ट्स टू इम्पोर्ट लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, इसमें इम्पोर्ट ऑल में क्लिक करना है या फिर आप क्या कर सकते हैं, इनको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इम्पोर्ट एक एक करके आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको सारे के सारे करने हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके इम्पोर्ट ऑल में क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे जो कॉन्टेक्ट है 72 मेरे इसमें 72 है तो ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, इम्पोर्ट हो रहे हैं। देखिए सारे के सारे अब इम्पोर्ट हो चुके होंगे और यहाँ पर ऑल कॉन्टेक्ट्स में सारे के सारे कॉन्टेक्ट जो है वो आ चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ लाइक बटन में क्लिक करके इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो ये प्रॉब्लम से जूझ रहे हो। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल सीखने के लिए हिंदी में बिल्कुल फ्री आप अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए।